हाँ तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंसेनली सेम मैच। यस और आज का हमारा क्या कहते हैं टारगेट क्या है प्रतिदिन? सो आज रतिजन मेरे स्कूटी लेके आ रहे हैं। ये आई विल बी फाइनली रिड ऑफ द ड्यूटी ऑफ बीइंग अ ड्राइवर फॉर हर। टुडे इज माय लास्ट डे फॉर बीइंग अ ड्राइवर। ये आज पूरा दिन रतिजन मुझे गाड़ी में घुमाएंगे। हाँ जरूर, तेरी स्कूटी आने के बाद तू जान, आई डोंट केयर। कल से नो आज पूरा दिन मैं गाड़ी में घूमूंगी। रजत मेरे ड्राइवर बनेंगे, शॉफर बनेंगे, प्रॉपरली गाड़ी गाड़ी ऐसा है, खोलेंगे। मैंने शादी के लिए साइन अप किया था, ड्राइवर के लिए नहीं। वो आपने जब शादी के लिए किया था सबके लिए हो गया। तो आज हम स्कूटी लेने जा रहे हैं, मतलब रजत जा रहे हैं स्कूटी लेने। हाँ, ये घर पे काम करेगी, साफ सफाइयाँ करेगी। हाँ, स्कूटी का स्वागत करने के लिए तो चलिए गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं। ओके सी यू सून। हाँ तो तेरे से तो मुझे खुंदक है। तो अभी हम लोग संचित के साथ जा रही हैं। मीट संचित, मेरा बचपन का दुश्मन। मैं भी हूँ इसका, मतलब ये मेरे को दुश्मन भाई, मानता, मैं तू इसको दुश्मन हमारा मानता। दुश्मन है हमारी जान का, हम तो फिर भी ठीक है। साले गलत बोल रहा है, अपना चैनल है तो कुछ भी बोलेगा। हाँ तो मैंने बोला ना, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है बचपन के। हाँ तो ये तो बता दे करने के जा रहा है अपनी बूथी। वो तो बता मैंने दे बता दिया प्राची के साथ। अच्छा बता दिया है। हाँ चलो फिर बढ़िया है, स्कूटी आ जाएगी तो बढ़िया। रोगे नहीं तुम, थोड़ा कंजूसी कम करोगे। मैं चल कंजूसी तो मैं कोई नहीं कर रहा था, मैंने अभी भी बोला कैब से चल ले। कैब से काहे जाना है, ये रहा ये बगल में। कोई बात नहीं, मैं बगल से भी कैब से जा रहा हूँ। मेरी अमीरी देखना, तू कंजूसी क्यों देख रहा है बेटे? अमीरी नहीं है ये तो, फिर इसको कहते हैं बेवकूफी। चल जो मर्जी समझ। हम आए थे, कंफ्यूज कर दिया। हम आए थे थे माइस्ट्रो लेने, अब मन आ रहा है इस पे। ये कुछ ज्यादा स्कूबा कैसन बा, बहुत ही बुरा हाल। चलो भाई वन एक्सपे कर देता हूँ। फाइनली भैया पेमेंट वेमेंट हो गई है। सुबह से हम जब आए थे, हमारा प्लान था कि हम साथ के साथ लेके चले जाएंगे। मैं अपनी शक्ल भी दिखा देता हूँ, हमारा प्लान था हम साथ साथ लेके चले जाएंगे। बट क्या हुआ कि एक दो फ़ोन आए हमारे पास पिताजी की तरफ से, उन्होंने कहा एक दो शोरूम और घूम लो। सब शोरूम तो घूमे घूमे स्कूटी भी बदल गई है। पहले माइस्ट्रो लेने आया था, डेस्टिनी में पहुंच गया। हमारी डेस्टिनी में डेस्टिनी लिखी। मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था। हाँ जी हो गई है। तो क्या कहते हैं, अभी हम ये देख रहे थे इस चीज़ के बारे में, किसी भी शोरूम वाले ने अभी तक हमें नहीं बताया और मुझे तो नहीं पता था पर्सनली। पता नहीं आप लोगों को पता हो सकता है, नहीं हो सकता, आई डोंट नो, बट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस। क्या कहते हैं इसे, नोटिस कि अब हर शोरूम के लिए मैंडेटरी है कि आपको हेलमेट फ्री देना ही देना है। तेरे को पता था क्या? नहीं मेरे को नहीं पता था। हाँ तो दिस इज समथिंग गुड दैट आई सॉ इन हीरो शोरूम। हम रैंडमली ये सब हमारे को कैसे पता होगा अनलेस समबडी टेल्स अस। हाँ मतलब वैसे क्या ना, मतलब हम जितने शोरूम में घूमे हैं किसी ने भी मतलब डिस्प्ले पे भी नहीं डाल रखा, बताना तो छोड़ दे। अरे वो हम तो एक शोरूम पे गए भाई और सरदार जी बैठे हुए थे, उन्होंने तो बोल दिया एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी ने बाकी सारी कंपनियों को जन्म दिया है। मतलब इंडिया में जितनी भी टू व्हीलर कंपनीज आई है उनकी उनकी बदौलत है भाई। वो कमाल का सेल्समैन था भाई, उसने तो नाक ही पीट दिया। उसने बोला ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लाए, वो टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लाए। वो तो यही बोल देता मैनकाइंड का भी हमने उद्धार किया है। मेरा दिमाग घूम गया, रजत कहता निकल गया से नहीं, मैं सिर फोड़ दूंगा इस आदमी का। वो थोड़ी देर में बोल देता भैया पानी भी हमने डिस्कवर किया था, तो क्या था धरती हमने इन्वेंट की थी, और ये जो पानी की आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पी रहे हो ये भी हमने ही बनाई थी। बात मैं बोलना चाहूंगा, कमाल का सेल्समैन था भाई वो बंदा, उसकी कंपनी एवन बाकी सब जीरो, सेल्स के लिए तो बढ़िया बंदा था मतलब बहुत ही ज्यादा, पर थोड़ी बकचोदी ज्यादा कर रहा था। इतनी मुझसे झिली नहीं, मुझसे नहीं, मैं बहुत शांत बंदा हूँ, पर मेरी भी हक हो गई थी वहाँ पे। मैं तो उसको बोल दिया भाई ये तो उस कंपनी ने पहले निकाला था, उसने वो दूसरी कंपनी को भाई नीचा दिखा दिया। अब मैं कंपनी में नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्यों खा मखा किसकी बात को उसको करना, तो हमें कोई किसी से स्यापा नहीं पालना। पर हाँ वो बंदा बहुत बढ़िया था, अपना काम तो जबरदस्त कर रहा था। नो वो थोड़ी देर में बोल देता जैगुआर को पूमा ने बनाया था।
ये अच्छा था, ये मेरी टोपी के ऊपर दिखाना तो मेरे को एकदम से याद आया। अब समझ जाओ कैसी बातें कर रहा था भाई रजत जैन। तो भाई लोगों बंधुओं हमारे व्यूअर्स, कल तो हमारा इतना मर मर के मत बोल, थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ बोल। कल कट गया भाई हमारा बहुत बुरा वाला, हमारा गया इसका कट। क्या मेरा कटा, मेरा कटा है, मैंने स्कूटी भी नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना, बेफजूल में मेरा कट गया क्योंकि मैं इसका दोस्त हूँ। सबसे बड़ा पाप है मेरा जिंदगी का ये, दूसरे के दुश्मन बचपन से। साला ये तो घर चला गया अपने ससुराल वालों के साथ, पावनम चला गया डोसा खाने, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, इसकी पेमेंट ही नहीं आई। और रतुल जैन को तो देख मैं खासा लग गाली दूंगा, भैया मिले तो सही। अरे IMPS की जगह NEFT कर दी, शर्म है तुम्हें? चार घंटे बंदा बैठा है यहाँ पे वेट कर रहा है, पैसे आएंगे पैसे आएंगे। तो कल संडे के चक्कर में हो गया कट्टा, NEFT यहाँ पे पहुंची नहीं और हमारी डिलीवरी कल हुई नहीं, तो आज हम दोबारा लेने आए हैं। डेट हो चुका है और हम लेने आए हैं। अभी तो मैंने बाल सिर्फ धोए थे और ये मेरे को आगे लेने की, भैया चल स्कूटी लेके आ रहे हैं, इतना बावड़ा हो रखा है, पता नहीं इसने कहा मथुरा वृंदावन जाना स्कूटी में। मुझे अपनी जिम्मेवारी से आजाद होना है, आई कांट बी अ शॉपर एनीमोर, आई वांट प्राची टू बी इंडिपेंडेंट, गो वेयरएवर शी वांट्स टू गो। अब तो तू भी जाना मेरी जिंदगी से, निकल ना। नहीं निकलना, और इतना बड़ा हो गया, 18 साल से ऊपर हो गया, शादी हो गई तेरी, सब हो गया, निकल भाग जा यहां से, मेरे को नहीं चाहिए तू। तो गाइस फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद और लड़ाइयों के बाद, क्योंकि यहाँ पे अभी एक मिसकम्युनिकेशन हो गया था, मेरे को क्या कहते हैं 5 years ऑफ फ्री सर्विस बोला गया था, जो बाद में निकला 5 free services, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं अभी बहुत लड़ाई करने के बाद, सारी बातें होने के बाद फाइनली डिलीवरी मिल रही है, तो चलती हैं आगे। तो गाइज स्कूटी लेते हुए जब हम पहले दिन गए थे, तो पहले दिन हमें बोला गया था कि इधर स्कीम चल रही है एक, जिसमें 5 साल का सर्विस फ्री था विद इंजन ऑयल। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मैंने उनसे वो चीज़ रिटर्न में मांगी, एंड एट दैट टाइम दे टुक समवेयर अराउंड 2 to 3 hours टू क्लैरिफाई इट, और लास्ट में जाके पता चला कि उन्होंने 5 years मतलब 5 free service की जगह 5 years ऑफ फ्री सर्विस बोल दिया था। तो ये था पूरा का पूरा स्कैम, जिसकी वजह से एक स्कूटी लेना हमारे लिए 3 दिन का टास्क बन गया था, almost 3 days. Hope you like this video, stay tuned to our channel for more such content, and don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you.